चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि एसएससी एमटीएस हवलदार पेपर एग्जाम एडमिट कार्ड 2024 का जो कि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। आप सभी ने अगर इसका एडमिट कार्ड अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। सभी स्टेटों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, वहाँ से आप जाकर एडमिट कार्ड सभी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको एडमिट कार्ड पे एग्जाम सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है एडमिट कार्ड के साथ साथ, जिससे क्या हो एग्जाम सेंटर पे आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि गाइडलाइन पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, नई गाइडलाइन जारी हुई है इस साल। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक बने रहिए। उससे पहले फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जिससे गवर्नमेंट वैकेंसी रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसएससी एमटी हवलदार जो पेपर का एडमिट कार्ड है, क्योंकि इसका एग्जाम जो होगा 30/9/2024 से लेकर 24/11/2024 तक इसके एग्जाम चलने वाले हैं। तो सबसे मेन बात है, जब आपने एडमिट कार्ड जो कि डाउनलोड कर लिया है उसका प्रिंट आउट ले लेना आपको, ब्लैक एंड व्हाइट एडमिट कार्ड चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रंगीन की जरूरत नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट एडमिट कार्ड से आप सभी का काम चल जाएगा। तो आप एडमिट कार्ड जो कि प्रिंट आउट निकाल लीजिए, वो भी एडमिट कार्ड केवल फर्स्ट पेपर ही आपको एडमिट कार्ड पर सेंटर पर लेकर जाना है, उसके अलावा कोई भी इंट्रेक्शन इंट्रेस वाला पेज आपको सेंटर पर लेकर नहीं जाना है। दूसरी बात आ जाती है लेटेस्ट कलर फोटो टू फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज, जो कि फोटोग्राफ आप लेकर जाएंगे साफ साफ लिखा हुआ है गाइडलाइन में कि दो फोटो लेके जानी है, क्योंकि पहले एक फोटो से काम चल रहा था, क्योंकि एक तो फोटो कमीशन कॉपी पे लगती थी और एक आपका कोई डिक्लेरेशन के, इस बार साफ साफ कह दिया गया दो फोटो, तो कम से कम सेंटर पे 2 से 3 फोटो आप सेंटर पे वहाँ पे लेके जाएं फोटोग्राफ, वो भी लेके जाएंगे पासपोर्ट साइज, क्योंकि लेटेस्ट हो जो कि रिसेंट में खींची हुई, क्योंकि फॉर्म तो आपने भरा था तो वहाँ पे लाइव फोटो अपलोड होता, तो यहाँ पे वो लाइव वाला फोटो लेके नहीं जाना है आपको, कोई भी फोटो जो रिसेंट में आपने खिंचवाया हो जो कि एक महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वो फोटो आपको वहाँ पे लेके जाना है। उसके बाद जैसे तीसरे नंबर पर आता है आपको आईडी प्रूफ में क्या लेके जाना है, मेनली आपको आईडी प्रूफ में लेके जाना है आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड जो लेके जाना है, आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाना है, वो भी ई आधार कार्ड, वो भी किस में ले जाना है आपको कलर में लेके जाना होगा, नहीं तो सेंटर पर क्या होगा आपको वहाँ पर निकाल दिया जाएगा, इस चीज़ दिक्कत आती है, क्योंकि आधार कार्ड में ही आपका नाम, आपके पिता का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस पूरा मेंशन होता है, जिससे कि आपको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद अगर वो नहीं है तो उसकी जगह आप वोटर आईडी कार्ड भी ले जा सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, जिसमें ध्यान में रखना है कि डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम और आपके पिता का नाम पूरा सही तरह और एड्रेस सही तरह मेंशन हो, या आप उसकी जगह पासपोर्ट साइज पासपोर्ट ले जा सकते हैं जो आपका पासपोर्ट है, या फिर पैन कार्ड आप उसमें से ले जा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो नई गाइडलाइन में और भी जुट कर है, अगर आप एक सर्विस मैन है तो आपको सर्विस आईडी आपको मिली होगी गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तो वो आईडी आप ले जा सकते हैं, या आईडी कार्ड इशू बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज के द्वारा कोई भी आईडी कार्ड हो आपका, मतलब इस कॉलेज का, तो वो भी कार्ड भी वहाँ वैलिड होगा, बस नाम शर्तें यही है कि आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपको डेट ऑफ बर्थ और आपका डेट एड्रेस मेंशन हो। अगर आप एक सर्विस मैन है तो एक सर्विस मैन का चार्ज होता है, डिस्चार्ज का डिस्चार्ज बुक होती है, तो वो भी वहाँ पे चल जाएगी। अगर एनी कोई अदर उसके अलावा कोई दूसरी आइडेंटिटी प्रूफ आपको इशू है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई आईडी प्रूफ दिया गया है, तो वो भी आईडी कार्ड वहाँ वैलिड होगा उसके लिए, तो वो भी आप वहाँ पे लेके जा सकते हैं। तो मतलब सभी ये 9 चीज़ें आप उसमें से ले जा सकते हैं, जिससे आपको सेंटर पे कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़े, जो भी चीज़ आप ये लेके सभी लेके जाएंगे वो लेके जाएंगे ओरिजिनल, किसी की भी फोटो कॉपी आपको सेंटर पे लेके नहीं जानी है, मतलब फोटो कॉपी अलाउ नहीं है, जो भी चीज़ लेके जाएंगे ओरिजिनल ही आपको लेके जानी है, सब ओरिजिनल ही, एक आईडी जानी है वो भी ओरिजिनल। उसके बाद अगर आते हैं चौथे नंबर पर, आईडी फोटो आइडेंटिटी कार्ड इज नॉट कम्प्लीट डेट ऑफ बर्थ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ उसमें कम्प्लीट नहीं होती तो इनकेस में आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या ले जा सकते हैं, आप 10th क्लास की मार्कशीट ले जा सकते हैं जो कि सीबीएसई सीआईसी और स्टेट बोर्ड के द्वारा किसी के साथ जारी की गई हो, या बर्थ सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट जिसमें आपका जो कि डेट ऑफ बर्थ पूरा अच्छी तरह मेंशन हो, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 5/6/2001, तो इस तरीके से पूरा मेंशन होना चाहिए डेट महीना और सन, ऐसा नहीं कि केवल सन आ रहा है आधार कार्ड पर तो वो वैलिड नहीं होगा, उसके सपोर्टिंग में ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। पहले इनसे काम चल जाता था पर ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में भी एक डॉक्यूमेंट आपको एक्स्ट्रा लेके जाना पड़ेगा, जो कि ये 2 हैं और ये एक आईडी इनमें से लेके जाना है, तो मेनली मैं प्रेफर करूँगा कि आप आधार कार्ड ही सेंटर पर लेकर जाएं, नहीं तो आपको सेंटर से वहाँ से निकाल दिया जाएगा और आपको कोई सुनवाई नहीं होगी। और ध्यान में रखना है जो कि एग्जाम जो होगा आपका जो कि ऑनलाइन माध्यम से होगा, जो कि 4 क्वेश्चनों का होगा, और पेन वगैरह की बात कर लेते हैं तो सेंटर पर आपको पेन वहीं पर मिला जाएगा, मतलब पेन वहाँ पर सेंटर पर दिया जाएगा, तो आप उससे पेन भी लेके ना जाइए। हाँ, ट्रांसपेरेंट बोतल आप साथ में लेके जा सकते हैं, क्योंकि पानी के लिए फिर भी ले जाए तो ले जाए, नहीं तो नहीं ले जाना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको पानी की व्यवस्था होगी, क्योंकि एग्जाम जो कि है कंप्यूटर वाइज सीबीटी वाइज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो वहाँ पर सभी सुविधाएँ होती है। बैग और मोबाइल रखने की व्यवस्था भी सेंटर पर करी जाती है, तो वहाँ पर भी आप बैग मोबाइल अपने सभी वहीं पर रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बार ब्रीफली मैं आपसे फिर से बता देता हूँ कि आपको एडमिट कार्ड ले जाना है प्रिंट आउट ब्लैक एंड व्हाइट, या आप कलर भी ले जा सकते हैं, तो पहला हो गया एडमिट कार्ड ले जाना है, दूसरा फोटो 2 ले जाना है, ध्यान में रखना है फोटो 2 से 3 फोटो लेके जाएं आप सेंटर पे, आईडी प्रूफ में आधार कार्ड लेके जाएं जिसमें पूरा डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन होना चाहिए,
और अगर नहीं है तो उसके तो तीन डॉक्यूमेंट आपको जरूरत वहाँ सेंटर पे पड़ेगी, उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाना है। उसके बाद कर लेते हैं ड्रेस कोड की। ड्रेस कोड आपका नॉर्मल रहने वाला है, आप नॉर्मल कपड़े पहन के जाए, पजामा टी शर्ट में जाएँ और अच्छी ड्रेस उसमें जाएँ, कोई जूते वूते पहन के नहीं आए, क्योंकि सेंटर पर आपको जूते बाहर ही खुलवा दिए जाएंगे। अगर आपको अपने सेंटर के अंदर जाने के बाद गेट के बाहर खुला दिए जाएंगे तो वहाँ पर जूते वूते नहीं पहन जाए, आप स्लीपर में जाएँ। वहाँ पर अगर आप कोई भी आभूषण, कोई गैजेट, इलेक्ट्रिक गैजेट है, सभी आपको बाहर रख ले जाएंगे, तो उसे आप लेकर भी ना जाएं, क्योंकि सेंटर पे घूमने के बाद उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, तो इन चीज़ों को आप लेकर नहीं जाए। तो ध्यान में रखना है, तो आपको इन चीज़ों का लेकर जाना है सेंटर पे, और उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको वहाँ नहीं जाने हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट, कोई भी ऐसा आइटम जो कि सेंटर पर दिक्कत हो, कोई भी आभूषण आभूषण सभी आपको सेंटर के बाहर वहाँ पर खुला ले जाएंगे, इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा जो कि SSC MTS हवलदार 2024 का पेपर जो कि फर्स्ट होने वाला है, इसे पूरी गाइडलाइन चेंज हो चुकी है, सेंटर पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आपको एग्जाम पे, पूरे इस वीडियो में हमने कवर किया। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है कि सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मैं इसकी सपोर्टिंग में क्या डॉक्यूमेंट ले जाऊं, मेरे पास क्या है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका उसका रिप्लाई दूंगा और आपकी समस्याओं को जल्दी जल्दी हल करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।